Samsung Galaxy F54। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी Samsung Galaxy F54 का कैमरा टेस्ट। यू नो इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि Samsung Galaxy F54 का कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप दिख रहे हो राजा बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास Samsung Galaxy F54 5G और गाइस यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और जो गाइस कैमरा रिंग्स है वो मेटल के है तो यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का विथ OIS प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है प्लस 2 मेगापिक्सल यहाँ पे आपको एक मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस लुक वाइज डेफिनेटली बहुत ही सही लग रहा है बैक साइड से। और गाइस बात करते हैं इसी फ़ोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जहाँ पे लगा हुआ है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। तो गाइस जैसे इस फ़ोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 10x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यू नो 10x जूम करके आप इस फ़ोन से जो बड़े आराम से फोटोज़ वगैरह जो क्लिक कर पाओगे। और भी दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि Samsung Galaxy F54 5G का कैमरा क्वालिटी कैसी है। वैसे वीडियो के लास्ट में मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूं कि मुझे पर्सनली इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। तो आइए चलिए देखते कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Samsung Galaxy F54 के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इस स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो फ्रंट कैमरे से इसका ऑडियो वीडियो और वीडियो स्टेबिलाइजेशन जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
दोस्तों अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखो, मैंने इसी सैमसंग गैलेक्सी एप 54 5G के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो फ्रेंड्स आपको इसके कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो नो डाउट इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। मुझे पर्सनली इसके कैमरे को लेकर कोई भी शिकायत नहीं है, बट कभी कभार होता क्या है कि जो सेल्फी कैमरा उसके अंदर हमने वीडियो क्लिक किया था तो कभी कभार बहुत ही ब्राइट कर देता है, वो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे लगा। अदरवाइज जो 108 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है उससे डेफिनेटली बहुत ही सही फोटोज़ आती है, यानी कि पंची कलर्स वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर यहाँ पे कैमरे को लेके कोई भी शिकायत नहीं है। तो एपी गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।